हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है गीत फैशन में। आज हम बनाएंगे एक ब्यूटीफुल सा नेक डिज़ाइन कटवर्क के साथ, जो बहुत ही अच्छा बन के रेडी होगा। ये मैंने बुकरम ले ली है और ये हम बोट नेक बनाएंगे। तो इस मैंने अपने नेक के जो लेंथ विड्थ रखी थी वो रखी है 4 इंच, और जो लेंथ रखी है वो रखी है 4.5 इंच, और जो नीचे 14 इंच इसकी फुल लेंथ होगी, और 1 इंच की हम ये विड्थ रखेंगे इसके नीचे से। ये एक हम बॉक्स बना के रेडी कर लेंगे अपने नेक के लिए, और ये लाइन हम 1 इंच पे ड्रॉ करेंगे ये हमारे डिज़ाइन के लिए। और यहाँ से हल्के हाथ से एक राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। ये मैंने पेपर के टुकड़े पर कट कर लिया था ये डिज़ाइन, और आप इसको चाहो तो किसी भी राउंड चीज़ से ड्रॉ कर सकते हो। इसको रखते हुए हम अपने डिज़ाइन को ड्रॉ कर लेंगे और सभी को ऐसे ही ड्रॉ कर लेंगे। जो नीचे बचा हुआ है इसमें भी हम अपना हाफ ड्रॉ कर लेंगे ये, और ये एक्स्ट्रा हम 1 इंच की लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसकी अब कटिंग कर देंगे। जहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ करी है वहीं पर ही अपनी कटिंग करेंगे, और इस डिज़ाइन का थोड़ा ध्यान रखते हुए हम अपनी नेक की कटिंग करेंगे। ये डिज़ाइन बनने के बाद बहुत ही सुंदर लगेगा। ये कटिंग कंप्लीट हो गई है और इसको अब हम कपड़े पर पेस्ट कर लेंगे। ये मैंने कपड़े पर पेस्ट कर लिया था, और इसके जो ऊपर एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हम कटिंग कर देंगे। ये हमारा जो सूट है उसको ऐसे फोल्ड करके रख के, और उस पर हम ये निशान लगा लेंगे ऐसे। ये हमारा सेंटर पार्ट पर निशान लग जाएगा। अब हम अपने नेक को उसी सेंटर पार्ट पर रखते हुए इसको पिनअप कर लेंगे, और नीचे से भी हम यहाँ पर मिला के अपने निशान से, और इसको एक सिलाई लगा देंगे जिससे हमारा नेक बिल्कुल फिक्स हो जाए और हमें जो मेन सिलाई लगाने में आसानी रहे। अब हम इसको बिल्कुल किनारे पे एक बारीक सिलाई लगा देंगे, और इस सिलाई को बिल्कुल किनारे किनारे अपने डिज़ाइन के ऊपर से फिनिशिंग के साथ लगाएंगे, जिससे हमारा नेक डिज़ाइन एकदम अच्छे से बन के रेडी हो। ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। कटिंग करते टाइम सिलाई का ध्यान रखना है कि हमारी सिलाई कटे नहीं, और धीरे धीरे कटिंग करनी है ये। अब हम इस पर छोटे छोटे कट लगा लेंगे सिलाई को ध्यान में रखते हुए, ताकि बाहर निकालने में ये गला आसानी रहे, और इतना फिनिशिंग के साथ ये बन के रेडी हुए। और ये मैंने बाहर टर्न कर लिया है। पर एक हम रफली सिलाई लगा लेंगे, ताकि हमारा डिज़ाइन है जो वो फिक्स हो जाए। आप चाहो तो प्रेस भी कर सकते हो इस पर मैंने सिलाई लगा ली थी। आप प्रेस ये हमारा डिज़ाइन बन गया है। ये जो इसकी लेंथ है वो है 9 इंच, और ये मैंने एक बुकरम का टुकड़ा ले लिया है, और इसकी जो टोटल लेंथ ली थी वो 10 इंच ली है। और इसको ऐसे एक कपड़े के ऊपर रख के सिलाई लगा देंगे। जो बीच में हमें पट्टी लगानी है ये उसी के लिए है। ये हम इसको ऐसे सिलाई लगा के रेडी कर लेंगे, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग कर देंगे।
ये इसको ऐसे रखते हुए इसको फिक्स कर लेंगे और ये यहाँ पे हम इसको पिन अप कर देंगे दोनों साइड से। और हम ये किनारे किनारे पर सिलाई लगा लेंगे। बनने के बाद ये डिज़ाइन बहुत ही अच्छा बन के रेडी होगा और इसके किनारे किनारे पर सिलाई लगा देंगे और इसको फिक्स कर लेंगे। अगर आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि आपको डिज़ाइन कैसा लगा। इसके किनारे किनारे पर एक ये बारीक सिलाई लगा लेंगे और इसको हम जो नीचे हमने पट्टी लगाई है इसको हम फिक्स कर लेंगे। आप इसमें बनने के बाद बीच में बीट्स भी लगा सकते हो या फिर जो पेस्ट वाले जो पेस्ट करने वाले बीट्स आते हैं वो भी पेस्ट कर सकते हो। ये मैंने किनारे पे सिलाई कंप्लीट कर ली है और हमारा गला बनके रेडी हो गया है। ये